खाना खाओगे भैया? आप लोग के भी घर कभी कोई आता है तो उसको भूखे पेट कभी घर मत भेजिए। खाना खाओगे भैया? हाँ बैठो बैठो, आ रहे हैं। नहीं नहीं बना नहीं रहे, बना हुआ है, रुको लाते हैं। वो पता नहीं है शनिवार शनिवार और दिन भी पता नहीं आते रहते हैं मांगने वाले ना, थोड़ा पैसे तो पैसे दिया। जैसे अम्मा लोग तो आती है तो उनको तो हम लोग साथ में थोड़ा चावल दे देते हैं, कच्चे चावल और तेल सब्जी वगैरह ताकि वो बना ले। लेकिन ये जैसे बाबा लोग आते हैं तो फिर खुद मांगते हैं, तब तो ऑब्वियसली देते हैं यार। जब वो लोग मांगते हैं तो वो कह रहे थे भूख लगे कुछ खाने के लिए है, तो हमने कहा बिल्कुल यार मांगो, नहीं सामने से नहीं मांगा तो नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन कोई आराम से कोई मांग रहा है तो तब तो देना ही चाहिए। आपको बनता भी नहीं है, चाहिए कभी खाने के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए, पाप लगता है पाप। आप लोग के घर भी अगर कभी कोई ऐसे आता है ना गरीब मांगने के लिए या कुछ भी ऐसे, और कोई अन्न के लिए बोलता है तो देना चाहिए, मतलब कभी मना मत करिए। बेटी कह रही थी कि मम्मी कहीं गई, मेरे को लगा गई है, बाथरूम में थी। तो बोले थे फ्रिज का पानी या वीडियो को बना रही। कैसे बन गई तुम इतनी दानी है? कैसे हो गए मैं आप इतने दानी? नहीं अच्छी बात है यार, आने के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए ना। आप लोग के भी घर कभी कोई आता है तो उसको भूखे पेट कभी घर मत भेजिए, खिलाइए, बिल्कुल खिला के भेजिए। सवेरे दही लेके आओ, धन्यवाद, जय हो। ये देखो इन दोनों का मस्त खेल चला हुआ है यहाँ पर, झाड़ू से डर के जा ही नहीं रहा है ये। ओ वो 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 इजी इजी ब्रोस, ये उस डरपोक को देख लो, फट्टू को। इनकी कैट फाइट देखने में मुझे इतना मजा आता है ना, मैं क्या बताऊँ। लड़ाई के बाद इन तीनों का भाईचारा देखो, कितने प्यार से बैठे हैं तीनों, और मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब ये तीनों ऐसे साथ में बैठते हैं। और ये देख लो अब ये अटैक करेगा उस पर। आई जस्ट लव जब ये तीनों ऐसे ना साथ में बैठते हैं, आपस में खेलते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है, लाइक क्यूट, नाइस नाइस। इसका नाम है गोली, इसका नाम है गौरा, और इसका नाम है श्यामा, और इसको कहती हूँ मैं जन्नत। ये है मेरे घर के सामने का खूबसूरत सा व्यू। सो हम लोग बना रहे हैं अंडा मैगी। एक दिन हमने बनाया था अंडा फ्राइड राइस, आज हम बनाएंगे अंडा मैगी। सो मैंने ये चारों अंडे डायरेक्ट फोड़ दिए, ग्लास लगा के मैं वैसे नहीं करती, बिकॉज यू नो बर्तन वेस्ट मेरे हिसाब से, एक और बर्तन ऐड हो जाता है धोने के लिए। डायरेक्ट डाला, अब इसमें हम लोग नमक मसाले वगैरह डाल देंगे, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी टेस्ट के लिए आपका पास्ता मसाला, बिकॉज मैगी मसाला, ओ ज़्यादा तो नहीं हो गया, बिकॉज मैगी मसाला हम लोग भूल गए। एंड इसको हम हल्का सा क्रिस्पी होने तक ऐसे कर देंगे, फिर उसके बाद मैं जो अंडा मैगी बनाती हूँ मैं मिक्स करके नहीं बनाती, मतलब मैं इसमें पानी डाल के मैगी नहीं डालूंगी, इसको साइड में निकाल के जल्दी से मैगी उबाल के फिर ऊपर से। अंडा भुर्जी हमारी बन गई है, अब हम इसको प्लेट पे निकाल देंगे नॉट सो स्मूथली विद अ लॉट ऑफ मेस, और अब इसी में बनाएंगे मैगी। मैगी भी हमारी रेडी हो गई है, अब जैसे इसका थोड़ा सा पानी और इवेपोरेट होगा वैसे ही हम लोग इसमें डाल देंगे हमारा अंडा भुर्जी। मैगी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, हेयर गोज और अंडा भुर्जी। उसको भी डाल, उसको भी डालूंगी, रुक उसमें हल्का सा। तू तो खाता ही नहीं अंडा, तू क्यों बोल रहा है, तू क्यों जल रहा है, मुझे ही होता। ये दिखने में कैसा लग रहा है? बहुत कम हो रही है यार,
दो पैकेट बनाइए ना। हमारा अंडा मैगी हो गया था यार। ये और टेस्टी तब होती है जब इसमें प्याज टमाटर के साथ अंडा भुर्जी बनी हो, तब और रंगत आती है इसमें। बिना प्याज टमाटर के ना ये अजीब से अंडी भुर्जी हो गई है, पर ये भी ठीक है ये काम चलाओ के लिए, पर प्याज टमाटर के साथ ज्यादा टेस्टी होती है। चान चना, इस वादी में खाएंगे हम लोग अंडा और मैगी। जस्ट लुक हाउ प्रिटी इट इज लुकिंग। यम 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 यम। गाइस ये देखो, आज की गोली रोज रात को लवी के साथ आके सो रहा है। मैं इसको बोल बोल के थक गई हूँ कि गोली मेरे साथ आके सो जा, मेरे साथ आके सो जा। नहीं याद है, मैं वहाँ सो रही हूँ, मैं वहाँ सोती हूँ। ये कमरा है, अपने आप आएगा। यहाँ लवी सोया होता है, ये उसके साथ आके सो जाएगा चुपचाप। बाप रे, देख रहे हो दोनों भाइयों को? ये Oh,